नमस्कार, एफएनडी जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिंपी कालरा। तो हमेशा की तरह हम तैयार हैं इस शो के अंदर, जो करीब आधे घंटे का शो होगा, और इसके अंदर हमारी एक कोशिश होगी कि हम आपके सामने ट्रेंडिंग वादा के शेयर्स लेके आएं, उनके ग्राफ्स लेके आएं, उनका डाटा लेके आएं डेरिवेटिव्स का, ताकि आपको समझने में और जानने में आसानी हो कि कौन सा शेयर चल सकता है, किसमें अभी भी दम है और किसको हमको छोड़ देना है। और इसी सीरीज को हम आज भी कंटिन्यू करने जा रहे हैं। प्रशांत सावंत आज के मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम करेंगे बातचीत। लेकिन ठीक उससे पहले, हमेशा की तरह पहले पांच बड़ी बातें आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं, एक एक करके सारी बातें आपकी स्क्रीन पर आएंगी, और उसके बाद फिर हम कार्यक्रम में थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे। प्रशांत जी से समझेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी पर इस समय क्या आउटलुक होना चाहिए, उन्होंने अपने शेयर्स भी निकाले हुए हैं, वो सब कुछ हम आपके सामने रखेंगे। पहली बात, 17,900 के आसपास आज मार्केट कर रहा है ट्रेड। ये पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरह से लेवल्स को बचा लिया जाए, कुछ ज़्यादा डैमेज ना हो किसी तरह से मार्केट में, और आज की पूरी पहल भी इसी चीज़ के अंदर है। 18,000 जाना नहीं, 17,800 तोड़ना नहीं, फिलहाल उसी के बीच में ट्रेड है। बैंक निफ्टी को झटके थोड़े ज़्यादा लगे हैं, क्योंकि चर्निंग जो हो रही है वो आईटी, एफएमसीजी और ऑटो के लिए पॉजिटिव हो रही है, बैंक्स के लिए नेगेटिव है, इसलिए बैंक निफ्टी उम्मीद से ज़्यादा कमज़ोर था। हालांकि आज अपना लो टेस्ट करने के बाद इसमें भी पुल बैक आया है, लेकिन फिर भी जब तक 41-42 के ऊपर आता नहीं, स्ट्रॉन्ग पुल बैक के चांसेस थोड़े कम हैं। एफएमसीजी, मेटल, एनर्जी शेयरों में खरीदारी है, और ये थोड़ा ध्यान से आपको ट्रेड करना होगा, क्योंकि इनमें बहुत ही स्पेसिफिक है। हमने भले ही सेगमेंट आपके सामने लिख दिया हो, लेकिन इसके अंदर सारे शेयर एक जैसे चलेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। आईटी के अंदर आज थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है, रियल एस्टेट और सरकारी बैंक भी कुछ ऐसे हैं जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आज आपको देखने को मिल रही है। तो एक कुछ एक शेयर और हैं जहाँ पर आज आपको हल्का सा दबाव देखने को मिल रहा है। पांचवी बात हमेशा विक्स की होती है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स 3% ऊपर, डाउ फ्यूचर्स करीब 120 पॉइंट नीचे। कल यूएस मार्केट्स बंद थे, आज शाम को खुल जाएंगे, 7:30-8 बजे आपको वो मार्केट खुल जाते हैं, उससे पहले जो फ्यूचर्स कामकाज हो रहा है उसमें 120 अंकों का नुकसान है। अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रशांत सावंत से जुड़ने का वक्त हो गया। आपको पहले हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एक आउटलुक देंगे, उसके बाद फिर हम अलग अलग स्टॉक्स करेंगे। स्टॉक्स हम आपके सामने रखेंगे करीब 8, 4 मंदी के, 4 तेजी के, और फिर प्रशांत जी के ट्रेड भी होंगे। तो कुल मिला के आपका आज का आपका शेयर ट्रेडिंग का या फिर पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग का एक हिस्सा तैयार हो जाएगा। अभी आप तो अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें प्रीमियम बेहद कम हो गया, सिर्फ 6 पॉइंट का, लेकिन रोल ओवर महंगा है। रोल ओवर में 100 रुपये लगेंगे, 100 पॉइंट लगेगा आपको, लेकिन प्रीमियम इस समय कम है। दूसरा पॉइंट है, ओपन इंटरेस्ट कुछ खास कम नहीं हो रहा, जो शॉर्ट कवरिंग है इतनी माइल्ड है कि उसमें 1% का भी ओवाई नहीं है, इसलिए बहुत दम चाहिए। जहाँ पर आप माइनस देख पा रहे थे ना, यहाँ पे कम से कम ज़्यादा होना चाहिए। जैसे बैंक निफ्टी में आपको -10 दिख रहा है, ऐसे निफ्टी में -10 दिख जाए, फिर आप देखेंगे आज का दिन कितना बेहतरीन निकलता, क्योंकि फोर्स नहीं है मार्केट के पास, रेंज तो है, फोर्स नहीं है। अब प्रशांत जी हमको ये बताने वाले हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी पे हम क्या करें, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्या 250 रुपये दे के या 250 पॉइंट्स दे के हम रोल कर जाएं, या सौदा काट दें बैंक निफ्टी में, निफ्टी में 100 पॉइंट्स दे के, या फिर करें क्या, फिर हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है। प्रशांत जी बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। इंडेक्स की जरा इस गुत्थी को सुलझाइए, सामने महंगा रोल ओवर है और इस बार कम प्रीमियम है। जी डीपी जी, गुड आफ्टरनून, सभी दर्शकों नमस्कार। पहली बात तो मैं आपके सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट ट्विक करूंगा, क्योंकि आपने पूछा है रोल ओवर करें कि नहीं, तो मेरा ये सवाल होगा ये लॉन्ग लोगों के लिए है या शॉर्ट लोगों के लिए, क्योंकि मैं पर्सनली शॉर्ट हूँ और मैंने शॉर्ट से रिकमेंड किए हुए हैं। अगर कोई लॉन्ग है तो उनके तो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉसेस हो चुके हैं, तो रोल ओवर की बात आती नहीं है। जो शॉर्ट है वो मुझे लग रहा है कि कैरी करे, और हर पूरी तरीके से इंडेक्स पे बात करूंगा। सबसे पहली बात मैंने यही कही कि लॉन्ग रखने का ये मार्केट फिलहाल नहीं है, और शॉर्ट जो थे उनको ट्रेल करना होगा, क्योंकि हम एक सपोर्ट के नजदीक पहुंचे हुए हैं। अब मार्केट एक टिपिकल जो सपोर्ट का एक्शन होता है, जहां पे बाइंग सेलिंग और दोनों बुल्स और बेयर्स के बीच एक फाइट दिखती है, वो बार बार हमें दिखाई दे रही है। डेफिनेटली अभी अगर हम देखें तो बेयर्स का अपर हैंड है, बट दोपहर में क्या होगा ये पता नहीं, तो हमें दोनों ही तरीके से सावधान रहना होगा कि मेजर लेवल्स क्या होंगे। तो अगर मैं निफ्टी के फ्यूचर्स को देखूं, तो आज का जो लो बना हुआ है, मैं फरवरी फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं, कि अभी अगले 3 दिनों तक ये चलेंगे, करीबन 17,840, ये बहुत अहम लेवल है। अगर इंट्राडे में हम ब्रेक करते हैं तो शायद हम इसके नीचे 60 पॉइंट और 17,780 जा सकते हैं। पोजिशनली मेरे लिए ये नंबर मैं बार बार कह चुका हूँ, 17,780 ये फ्यूचर्स में बहुत अहम है। अगर हम इसके नीचे क्लोज होते हैं और फॉलो थ्रू मतलब जो भी आज का लो हुआ है क्लोजिंग के बाद, अगर कल उसके नीचे ट्रेड हो, तो मुझे लग रहा है हम इस एक्सपायरी में 17,650-17,600 बहुत जल्द देख सकते हैं। इसीलिए मेरे लिए ब्रेक मेक और ब्रेक लेवल जो होगा वो 17,780
17780 फ्यूचर्स में बहुत अहम होगा। यहाँ पे मेरा ध्यान है आज की क्लोजिंग के लिए, तो ये लेवल आप बहुत क्लोजली फॉलो कीजिए, और जो लोग शॉर्ट है वो ट्रेल कर सकते हैं 17910 के जस्ट ऊपर स्टॉप लॉस रखे, यानी आप मान मान 17920 का भी स्टॉप लॉस रखो, इनफ हो गया। करंट प्राइस से 50 पॉइंट ऊपर ज्यादा दूर मत रखिए। रिवर्सल आए तो आपके शॉर्ट्स में प्रॉफिट बुक हो सकते हैं, लॉन्ग्स हो तो मुझे लग रहा है कि आपके स्टॉप लॉसेस हुए रहेंगे, क्योंकि काफी लोगों ने 18000 के ऊपर जो फॉल्स ब्रेकआउट कल सुबह आया था तब लॉन्ग सिस्टम में डाले थे, वो सीधा वहां से हम ऑलमोस्ट 200 पॉइंट नीचे आए, तो 200 पॉइंट निफ्टी के लिए बड़ा स्टॉप लॉस होता है। इसलिए अब हम एक सपोर्ट पे जा रहे हैं, सपोर्ट वही होगा जो मैंने कहा 17780 से लेकर 17820 फ्यूचर्स में, इस जोन पे मेरा ध्यान बहुत क्लोजली होगा आज की क्लोजिंग के लिए। ये मेरी निफ्टी पे आया, अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो शायद हम एक्सपायरी 17650 देख सकते। एक तरफ के लोग फंस सकते हैं, हालांकि एक्सपायरी होगी बृहस्पतिवार की, आज है मंगलवार, अभी भी आपके पास 24 घंटे और लास्ट 3 घंटे और जोड़ दें तो करीब करीब आपके पास बनते हैं अभी 50 घंटे, ट्रेडिंग के हिसाब से करीब आपके पास 17-18 घंटे हैं। मार्केट को एक रेंज पार करनी होगी। मैं एक चार्ट के जरिए आपको निफ्टी का वो आउटलुक ज़रूर दिखाना चाहूँगा जिसके बारे में अभी प्रशांत जी बात भी कर रहे थे, आप लेवल्स को अच्छे से नोट करके रखिएगा। बुल्स वालों का बारी तब आएगी जब 920 के ऊपर आएंगे या क्लोजिंग आएगी या फिर 18000 आएगी, अगर आप राउंड में चाहते हैं तो। तब तक आपको हर बार धोखा ही मिल रहा है, आपने कई बार अटेम्प्ट लिए होंगे लेकिन आप धोखे में फंस रहे होंगे। ये निफ्टी का चार्ट हमने आपके लिए ड्रॉ किया है, अगर आप ये ऊपर वाली लाइन देख पा रहे हैं जिसको भी मैंने अभी मार्क कर रहा हूँ, आप यहाँ देख पा रहे हैं लगातार डाउन ट्रेंड है। नीचे वाली लाइन आप जो देख पा रहे हैं लगातार मार्केट की सपोर्ट है, और इसको अगर हम छोटा 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 कर दें तो जिस जगह पर अभी आप ये मूवमेंट देख पा रहे हैं जहाँ पर हमने डब्बा मार्क किया हुआ है, ये इसका कन्फ्यूजन वाला स्टेट है। इससे ऊपर जो आपने सर्कल मार्क किया हुआ है ये वो एरिया है जहाँ पर फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है। तो निफ्टी के पास हर वो फ्लेवर है जो आप देखना चाहते हैं, मल्टीपल सपोर्ट है आप नीचे देख पा रहे हैं, मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हैं आप ऊपर देख पा रहे हैं, आपके पास सेंस ऑफ अ कन्फ्यूजन है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और आपके पास फॉल्स ब्रेकआउट भी है। तो सारा फ्लेवर इसी सीरीज में है, लेकिन कुल मिला के सब कुछ हुआ एक रेंज के अंदर जो 17800 से लेकर 18200 के बीच की है। फिलहाल इसी के अंदर अभी हम ट्रेड कर रहे हैं, आगे चल के हम और भी लेवल्स की चर्चा करेंगे। मोटा मोटी बात ये निकल के आती है, तेज़ी अभी खेलनी नहीं है, मंदी के अंदर फुल फ्लैश पार्टिसिपेट करना नहीं है, आपको बहुत ही कम वॉल्यूम के साथ या अवॉइड वाली कैटेगरी के साथ जाना हो तो भले आप जाइए। पहला टारगेट आपका 780 अगर शॉर्ट करके रखा हुआ है, और फिर 650 भी आ सकता है अगर ये रेंज 920 की वाली टूटती नहीं है तो। बैंक निफ्टी पे कुछ बोलेंगे प्रशांत जी आप? डेफिनेटली बैंक निफ्टी पे बोलूंगा, पहले मैं निफ्टी पे इसलिए मैंने व्यू दिया ताकि हम निफ्टी को विस्तार में डिस्कस कर सके। अभी अगर मैं बैंक निफ्टी की तरफ देखता हूँ तो मेरे लिए जो क्लियर मेक और ब्रेक लेवल था वो आज का लो बन चुका है। जो होगा अगर मैं फ्यूचर्स में देखने जाऊं तो आज का जो लो बना है करीबन 40550, तो इसके जस्ट 50 पॉइंट नीचे 40500, ये बहुत बड़ा मेक और ब्रेक लेवल है। इसके 20-30 पॉइंट नीचे पकड़ लो यानी 40450-70 के जोन में अगर हम इसके नीचे क्लोज हो जाए तो मुझे बिल्कुल भी हैरानी होने होगी अगर हम 7-800 पॉइंट नीचे जाए एक्सपायरी में और करीबन 39500 भी देखे। इसलिए अभी मेरे हिसाब से जो बहुत ही अहम सपोर्ट बन के आ रहा है बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में वो होगा 40480 से लेके 40550 जो आज का लो है, तो ये प्रिजर्व होना क्लोजिंग बेसिस पे बहुत जरूरी होगा। अगर जब तक ये इंटैक्ट है हम रेंज बाउंड रह सकते हैं, ब्रेक हो जाए मुझे लग रहा है 700-800, हो सकता है 1000 पॉइंट भी हम नीचे जाए और 39500 39500 तक के लेवल्स हम फ्यूचर्स में देख पाएंगे, तो बैंक निफ्टी मेरे लिए बहुत ही क्रूशियल लेवल पे और निफ्टी भी। ओवरऑल एक बात बहुत अहम जो हम भूल रहे हैं वो ये है कि जो बजट डे हाई लो यानी फरवरी का जो हाई और लो इंडेक्सेस के लिए बना हुआ था, अगर हम निफ्टी की बात करें हमने जस्ट एक बार उसके नीचे जाने ऊपर जाने की कोशिश की थी 18000 के ऊपर, जब सभी लोग जिसको हम वीकर लॉन्ग्स बोलते हैं टच एंड गो लॉन्ग्स होते हैं वो सिस्टम में आए तो उनके खिलाफ अब ये बहुत बड़ी मुंह आई है। और मुझे लग रहा है जो लेवल मैंने आपको दिया था 17780 ब्रेक होता है तो बजट डे लो जो बना हुआ था उसको हम विजिट कर लेंगे जो काफी दूर है, तो लॉन्ग्स में बहुत सावधानी बरती है, ओवरनाइट लॉन्ग्स मेरा सुझाव होगा अवॉइड कीजिए। बैंक निफ्टी जैसे मैंने कहा 40480 से लेकर 550 फ्यूचर्स में मेक और ब्रेक लेवल है, ये ब्रेक हो जाए स्ट्रेट 800 से 1000 पॉइंट हम नीचे जा सकते हैं।
ये जो लेवल्स हैं हम आपकी स्क्रीन पर भी लेके आते हैं। एक बार जरा बैंक निफ्टी के चार्ट दिखाइए, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। आपको इंडेक्स बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए। हमारी कार्यक्रम में कोशिश ये रहती है कि इंडेक्स को लेकर कोई डाउट ना हो, शेयर्स को लेकर कोई डाउट ना हो। हम आपको इसलिए चार्ट, डेरिवेटिव का डाटा, एक्सपर्ट्स का व्यू, उसके अंदर जितने एंगल्स हो सकते हैं सबके सब आपके सामने नोटिस करा के लाते हैं। 3950, यानी कि हो सकता है हम 40,000 के भी नीचे चले जाएं, हालांकि खोने के लिए हमारे पास अभी 700 पॉइंट है। और एक बार हम स्टॉप, अच्छा सर इसका स्टॉप लॉस एक बार बताओ, स्टॉप लॉस क्या रखें अगर 3950 टारगेट रख रहे हैं तो? जी, अगर हम वो सेल होगा आपका 40,480 के नीचे, यानी 40,500 फ्यूचर्स के नीचे आपका सेल होगा, आपका स्टॉप लॉस उस वक्त होना चाहिए करीबन 40,840, यानी 340 पॉइंट के आप रिस्क लेंगे और आपको सामने रिवॉर्ड करीबन 800 से 1,000 पॉइंट का होगा। सर हमने छाप दिया आपके सामने, 840 डाल दिया और 39,500 है आपके पास। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन मैं फिर भी एक कंडीशन बोलूँगा। ये कंडीशन है 40,800 जब चला जाएगा नीचे, 480 माफ़ कीजिए, उसके हमने लिखा, जहाँ पे प्रशांत जी का नाम लिखा ना वहाँ पे आप देख पा रहे हैं गौर से कि वो लेवल्स हमने लिखे हुए हैं, कि ये लेवल्स एक बार ब्रेक हो जाएगा तो फिर आप और नीचे खिसकते हो जाएंगे। आपको मैं इसी लेवल की थोड़ी इंपॉर्टेंस और बता देता हूँ, एक बार जरा चार्ट आएगा तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। हमने बैंक निफ्टी का चार्ट भी आपके लिए ड्रॉ किया है। पहली बात तो हम पिछले 20 दिन से एक रेंज के अंदर थे, जिसको 42,000 से 41,000 की रेंज कहते थे, उसी रेंज के अंदर हम ट्रेड करते रह गए। फिर हमने क्या किया, उस रेंज का ब्रेकडाउन कर दिया। आप ये देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, पहले हम इस रेंज के अंदर थे, इस रेंज का हमारा ब्रेकडाउन हुआ और उसके बाद हम दूसरे सपोर्ट को टेस्ट करने के चले गए। ये वही सपोर्ट है जिसके बारे में भी प्रशांत जी आपके सामने बात रख रहे हैं कि अगर ये गया तो फिर दिक्कत मार्केट की और बढ़ जाएगी और फिर आप फिर भर भरा के और भी नीचे जा सकते हैं। तो फिलहाल आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर ये 840, यानी कि 40,840 40,900 तक भी पार हो जाए तो फिर शॉर्ट करने से अवॉइड कीजिएगा, अदरवाइज शॉर्ट्स को कैरी भी कर सकते हैं, थोड़ा संभल कर ट्रेड कीजिएगा। मेरा तो ये मानना है कि इंडेक्स में ट्रेड ना भी करेंगे तो चल सकता है। ये निफ्टी बैंक का व्यू पॉइंट भी हमने आपके सामने रख दिया। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर आई थिंक कोई कन्फ्यूजन नहीं आपके सामने। अब आते हैं हम शेयर्स की तरफ, पहले ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। कुछ कुछ सीमेंट कंपनीज के अंदर बाइंग चल रही है, हमने आपको पहले भी कई बार इंडिकेट किया, आजकल भी आप देख रहे होंगे कि बाइंग सीमेंट कंपनीज में आपको मिल रही है। अब जो आज का फ्लेवर है वो पावर है, पावर में JSW एनर्जी, NTPC, IEX। IEX हमने कल परसों भी आपको नोटिस कराया था कि देश का इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बिजली की खरीद फरोख्त होगी। अगर देश में गर्मी बढ़ती है और पावर की स्केयरसिटी यानी कि क्राइसिस अगर क्रिएट होता है, ये हमने कल भी आपको नोटिस करवाया था और यही रीज़न से आपको करवाया था। आज आप देखो प्रकाश ने हमको एक खबर भी दी, उसमें सरकार ने भी एक्शन लिया कि आप 100% एक्सपेंशन पे करो काम अपना, जो भी आपकी कैपेसिटी है आप उसी कैपेसिटी पे करो काम अपना। और कोल के लेकर भी राहत दे दी है कि आप इंपोर्टेड कोल मंगवा लो बाहर से। तो ये आज IEX को बहुत तेज़ी दे रहा है, क्योंकि डेफिसिट और सरप्लस वाली स्टेट बिजली का खरीद फरोख बहुत ज़्यादा करेंगे और उसमें IEX एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, इकलौता प्लेटफॉर्म भी है। 5% ताज़ा खरीदारी के साथ ये चल रहा है। दूसरा शेयर मैरिको है, सर जरा दोनों को चेक कर लो, FMCG से मैरिको, पावर से IEX। जी डेफिनेटली डिम्पी, जहां तक मैं IEX को देख रहा हूँ, सबसे पहले उस पर बात करते हैं क्योंकि इसमें एक हायर बॉटम बहुत दिनों बाद बना था, करीबन 130-132 के जोन में, और उसके बाद एक अपमू आई है। अपमू ऐसे आई है कि हमने प्रीवियस डे लो को टच भी नहीं किया। अगर हम पिछले 5 दिनों को देखें, ये एक बहुत स्ट्रांग बुल्स की ग्रिप दिखा रहा है, जो इस स्टॉक में शायद हम 1 साल के बाद देख रहे हैं। दूसरी बात अगर हम देखें तो आज जो वॉल्यूम बना हुआ है वो ऑलमोस्ट हम देख सकते हैं कि पिछले करीबन 6 से 7 महीनों से, ऑलमोस्ट 3 से 4 महीनों से ज्यादा वॉल्यूम डेली चार्ट पे आपको दिखाई देगा, जबकि अभी सिर्फ 3 घंटों का काम हो चुका है। अब हमें क्या करना होगा, एक बात तो ये है कि जिनके पास पोजिशन हो वो, जो इन्वेस्टर्स है वो तो बिल्कुल बने रहे, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है वो भी 139 के स्टॉप लॉस से ट्रेड करें। जिनको फ्रेश बाइंग करनी है तो मेरा ये सुझाव होगा कि आप इस लेवल पे भी बाय कर सकते हो, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 141 141 का, और आप यहाँ से करीबन 155 155 ये आपका टारगेट वन होगा, और 155 स्टॉक के लिए नेक्स्ट जोन के लिए बड़ा लेवल है, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है, शायद आप फिर से 165 के लेवल देख सकते हो, बट फिलहाल 141 140 के रेंज में स्टॉप लॉस रख के आप 155 के लिए इसको खरीद सकते हो।
155 के लिए इसको खरीदा जा सकता है, 141 इसका टारगेट है। आज सुबह सुबह हमारे साथ जो मेहमान जुड़े थे खुश, उनसे भी हमने पता किया था कि आज IAS अगर चला तो क्या आज में 148 हो जाएगा, बढ़ तो रहा है। हमने उनसे दूसरा टारगेट 155 ही पूछा था कि वहाँ तक आ जाएगा, तो उनका भी मानना था हाँ आ जाएगा। अब दोपहर होते होते हमने प्रशांत जी से बात पूछ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं 155 आ जाएगा। आपका कन्विक्शन लेवल हाई होना चाहिए। डेरिवेटिव का डाटा हमने दिखा दिया है, चार्ट हम IEX का आपको स्क्रीन पे दिखा देते हैं एक बार, आपको थोड़ा उससे आइडिया लग जाएगा और पता लग जाएगा कि ये कैसा ब्रेकआउट है और क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है। आपको मैं कई महीनों का चार्ट दिखा रहा हूँ, ये दिसंबर से लेके अब तक टिल फरवरी एंड तक के मारे हैं, उसका चार्ट आपकी स्क्रीन पर आएगा। वहाँ पर एक चैनल डाउन स्लोपिंग है, यानी कि घटते हुए क्रम में था, एक ही दिन के अंदर वो ब्रेकआउट हो गया और ब्रेकआउट होने के बाद क्या शानदार मूव IEX ने दिया है। तो जितने भी शॉर्ट से सिस्टम में अभी तो फंसना शुरू हो रहे हैं, तो हो सकता है आपको आने वाले दिनों में, 1 से 2 दिनों के अंदर आपको एक अच्छा मोमेंटम भी बनता हो दिखे। ये IEX का चार्ट आपकी स्क्रीन पर हमने नोटिस करवाया, आप देख पा रहे होंगे चैनल का ब्रेकआउट आपको IEX के अंदर साफ साफ देखने को मिल रहा होगा। खैर आगे बढ़ते हैं सर, दूसरा शेयर है मैरिको, जरा इसको भी चेक कर लीजिए आप सर। बिल्कुल, इनफैक्ट डीपी जी FMCG में आज मुझे अच्छी प्राइस एक्शन दिख रही है। तो मैरिको का चार्ट अगर मैं अभी देखता हूँ तो एक चीज बहुत क्लियर दिख रही है कि आज की जो प्राइस एक्शन है वो थोड़े जो शॉर्ट्स थे उनके लिए एक सरप्राइजिंग एक्शन है। नॉर्मली ऐसे एक्शन के बाद हमें 4 to 5% मूव मिलती है, तो इसमें हम लॉन्ग रह सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस होगा आज के लो के जस्ट नीचे, यानी आप 489 का स्टॉप लॉस लगाइए, यानी 9 पॉइंट आपकी रिस्क होगी। और आप यहाँ से टारगेट वन रखिए 510, करीबन 11-12 पॉइंट। 510 इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि बड़ा रेजिस्टेंस है, और 510 क्रॉस हो जाए तो आपको स्ट्रेट इसमें 518 से लेके 520 के लेवल भी बहुत आसानी से दिख सकते हैं। बट आज की प्राइस एक्शन बहुत अच्छी लग रही है इनकी। कि आज के प्राइस एक्शन आपको ठीक लग रही है तो ये शेयर भी हमने पास कर दिया, 510 का टारगेट है, IEX 155, ये 510 आपके लिए दोनों शेयर यहाँ पे पास हो गए ताज़ा खरीदारी वाले। अब आते हैं शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स पे, एक बार जरा स्क्रीन पे शॉर्ट कवरिंग के शेयर्स भी आप लेके आइए ताकि उसको भी हम एक बार आइडिया ले पाएं कि उन शेयर्स के अंदर हमको करना क्या है। टिपिकली अगर आप वैसे शॉर्ट कवरिंग देखेंगे तो आपको मार्केट के अंदर स्टील कंपनीज में दिखेगी, JSW स्टील, टाटा स्टील। सुबह सुबह आप यकीन मानिएगा आधा परसेंट की बढ़त के साथ ये दोनों शेयर खुले थे, JSW स्टील और टाटा स्टील। टाटा स्टील अब 1.5% हो चुका है। प्रशांत जी एक बार इसको चेक कीजिए, दूसरा है डॉक्टर लाल पैथलैब। जी रिम्पी जी, जहां मैं पहले टाटा स्टील के बारे में बात करूंगा तो टाटा स्टील मुझे दिख रहा है कि सबसे मेन चीज एक गैप रेजिस्टेंस है डेली चार्ट पे जो 117 तक है। नॉर्मली गैप रेजिस्टेंस पे थोड़ा सा हमें वीकनेस दिखता है, बट इसको सेक्टोरल सपोर्ट है और इसी वजह से हम एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से इस ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। यानी हम जो कल की क्लोजिंग थी करीबन मैं मान के चलूंगा 111.50, इसके जस्ट नीचे हम 111 का स्टॉप लॉस मान के चलेंगे 111 क्लोजिंग बेसिस पे। और जो टारगेट रखेंगे वो उस गैप को रखेंगे, पहला टारगेट 117, और 117 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है 120 के लेवल दिख सकते हैं। बट 117 जैसी आए तो हमें ये करना होगा जो हमारा स्टॉप लॉस है उसको 115 पे लाना होगा ताकि कोई भी रिवर्सल आए हमारा प्रॉफिट बुक हो जाए। तो इस गैप की तरफ ध्यान रखिए और 111 पे स्टॉप लॉस रख के हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, टाटा स्टील आप कह रहे हैं 117 का तक का टारगेट, 101 का एक स्टॉप लॉस है, नंबर अच्छे हैं 117 एंड 111, तो आपके लिए टाटा स्टील एक बार ध्यान रखना होगा। अच्छा सर, आप लाल पैथलैब पे कुछ बोलोगे या फिर इसको छोड़ दें? एक्चुअली डिम्पी जी, अगर मैं इस स्टॉक को देखूं तो मुझे एक बेस फॉर्मेशन नजर आ रहा है, बट फिर भी अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखो तो ये बार बार सीरीज ऑफ हायर लोज हायर बॉटम बना रहा है और आज भी 20 मूविंग एवरेज पे रिजेक्शन दिख रहा है। इसलिए फिलहाल मैं इसमें जल्दबाजी नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा कि जो आज का हाई बना हुआ था यानी जो 2020 का है तो हम इसके ऊपर क्लोज हो जाए। यानी आज की क्लोजिंग अगर 2025-30 आती है तो कल हम ये ट्रेड प्लान कर सकते। आज मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करूंगा, इतने बड़े डाउन ट्रेंडेड स्टॉक में मैं एक दिन के एक्शन पे थोड़ा जिसको इम्पल्सिव एंट्री कहते हैं वो नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, डन सर, हम लाल पैथल आपको छोड़ देते हैं, टाटा स्लियो करते हैं पास। अब तक 3 शेयर हम आपके सामने रख चुके हैं, तेजी का पूरा पूरा हिस्सा सेगमेंट हमने यहाँ पे खत्म किया, 4 में से 3 शेयर और दोनों इंडेक्सेस का व्यू आपके सामने आ गया। प्रशांत जी के कॉल्स को बीच में डालते हैं, एक बार जरा उनका व्यू पॉइंट सुन लेते हैं, फिर मंदी वाले 2 शेयर और डिस्कस करेंगे लास्ट में चलते चलते। प्रशांत जी जरा अपने ट्रेड बता दीजिए जल्दी से। जी डीपी जी, ओवरऑल मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा सा इंडेक्स मैनेजमेंट वहां पे मुझे नजर आ रहा है। यानी जो स्टॉक्स दौड़ रहे थे जैसे कि ICICI एक्सिस और एचडीएफसी बैंक, ये थोड़े से वीक हो सकते हैं।
और जो वीक था कोटक बैंक, ये थोड़ा सा इंडेक्स को बैलेंस कर सकता है। तो मेरा फर्स्ट पिक होगा कोटक बैंक, मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूंगा 1715, 1715 मेरा टारगेट होगा 1770 से लेके 1775। ये एक पुल बैक ट्रेड होगा तो क्वांटिटी आपको वो हिसाब से रखनी होगी, और प्योर इंडेक्स मैनेजमेंट के हिसाब से होगा। जब शायद जो लीड में थे वो बैंक वीक हो जाए, शायद ये थोड़ा सा एक पुल बैक दे सकता है। नेक्स्ट पिक मेरा होगा, जैसे मैंने कहा एफएमसीजी सेक्टर में प्राइस एक्शन अच्छी लग रही, तो टाटा कंज्यूमर, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 712, 712 उसके जस्ट नीचे आप रख सकते हो, और टारगेट होगा 745, 745, 745 इस स्टॉक के लिए मेक और ब्रेक जोन है। इसके ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो सीधा 765 आता है, वहां तक हम जा सकते हैं। और इसी के साथ मुझे एक ऑप्शन ट्रेड, अगर इनफैक्ट कल सुबह जब हमने हफ्ते की ओपनिंग के पहले ही मिले थे, मार्केट ओपनिंग के पहले मैंने एक स्टॉक के बारे में बात की थी, वो टीसीएस था, और मैंने कहा था अगर ये रैली कर जाए और 3515 से लेके 3525 के जोन में मिले आप शॉर्ट कर दो, तो ये बिल्कुल कल 3522 का हाई बना है, वहां से वीक हो चुका है। यहाँ पे मैं मार्च महीने की पुट ऑप्शन 3500 की, सो टीसीएस 3500 मार्च पुट ऑप्शन, इसको खरीदना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 45, टारगेट वन मेरा होगा 100 का, और मेरा टारगेट टू होगा 120 का। जो पैटर्न शुक्रवार को बना है, पहले ये ब्रेकआउट के आसार दिखा रहा था, उसके बाद शुक्रवार को एक बड़ा रिवर्सल पैटर्न बना है, ये पैटर्न, और उसी के साथ जो हमारे निफ्टी आईटी जिसको फॉलो करता है नास्डैक, उस इंडेक्स पे भी एक बड़ा बेयरिश पैटर्न बना है। तो मुझे लग रहा है टीसीएस पुट में ट्रेड करना हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, इसीलिए मैं इसके साथ जाना चाहूंगा। बिना स्टिंग के मंदी, तो ये पुट होगी आपके सामने 3500 की। इसके अलावा कोटेक पे आपको ध्यान रखना है, टाटा कंज्यूमर्स पे आपको ध्यान रखना है। मेरे पास कुछ ऐड ऑन करने के लिए है नहीं, इसलिए सारे के सारे लेवल्स और उसके पीछे की थ्योरी आपको प्रशांत जी ने बता दी है। फटाफट से मंदी के दो शेयर आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं ताकि चेक एंड बैलेंस हो जाए। जरूरी नहीं कि हर बार तेजी के स्टॉक्स आपके पास होने चाहिए, मंदी के स्टॉक्स भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे। जरा जल्दी से स्क्रीन पे लेके आइए आज के मंदी के शेयर और उसके बारे में पता करते हैं। अपोलो हॉस्पिटल सर 2% नीचे है और आदित्य बिरला फैशन नीचे है, इन दोनों में किसी को आप कन्वर्ट करेंगे सर सौदे में ट्रेड में? जी डिम्पी जी, अपोलो हॉस्पिटल जहां तक मुझे दिख रहा है वो जो ब्रेकआउट था वो अगर हम आज के लिए क्लोज हो जाते हैं करीबन 4485 के नीचे, 4485 यानी यहाँ से जस्ट 1% नीचे, तो वो ब्रेकआउट फॉल्स हो जाएगा, शायद बड़ी डाउन मूव आ सकती है। तो जिनको इसे शॉर्ट करना है वो फिलहाल एक अगर इंट्राडे टाइम फ्रेम पे हम जाए या थोड़ा सा मीडियम टर्म यानी आवरली टाइम फ्रेम, तो मैं एक कंडीशनल सेल दूंगा। अभी हम 4520 पे 4520 ये 4500 को ब्रेक कर दे यानी 0.5% ज्यादा आप इसको शॉर्ट कीजिए, तो कंडीशनल बिलो 4500 आपका स्टॉप लॉस होगा 4540, 4540, तो 1% आपकी रिस्क हो गई। और वहां से आप टारगेट रख सकते हो 4425, टारगेट वन 4425, और टारगेट टू आप रख सकते हो करीबन 4380 का। तो जो फॉल आएगा वो बड़ा आ सकता है, बट इसको 4500 ब्रेक करने दीजिए। उसको ब्रेक करने की जरूरत है, और ये ब्रेक होगा तो फिर गिरावट और बढ़ जाएगी। हमने ऊपर लिख दिया 4500 एक बार ब्रेक करने पर 4425 आपको मिलेगा। ये चार्ट आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसका पहला सपोर्ट एरिया यही है जो कि जिस पे अभी ये ट्रेड कर रहा है, 4020 अभी चल रहा है। ये एक बार ब्रेक करेगा तो आपको नीचे लेवल यानी कि 4400 तक भी ये शेयर आता हुआ दिख सकता है। आप चार्ट के जरिए पे क्लियरली वॉच कर रहे होंगे। प्रशांत जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, बताने के लिए कि अलग अलग सौदों में क्या किया जाए। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार। We'll be right back.